हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल इलेक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है बहुत ही ज्यादा मतलब बड़े लेवल पे शुरू हो चुका है, और यूक्रेन को सरासर नेटो और अमेरिका ही एक किस्म का सपोर्ट दे रहा है। तो मतलब यूक्रेन के खिलाफ जो जाएगा वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली अमेरिका के खिलाफ चला जाएगा भाई। और इधर से रशिया, तो मतलब आज की वीडियो है रशिया और अमेरिका में से किसका साथ देगा भारत, इंडिया किसको सपोर्ट करेगा, आज हम ये देखना चाहते हैं। क्योंकि दोनों एक अच्छे देश हैं, मतलब ज्यादा तो रशिया पक्का दोस्त है, लेकिन चाइना की वजह से अमेरिका को भी साथ नहीं छोड़ सकता इंडिया। तो देखते हैं क्या सीन है। तो टेक्नोफीरिया के वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट ऑन करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त भीषण युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। जिस तरह से विवाद चल रहा है उसे देखते हुए तनाव काफी बढ़ चुका है। तनाव देखकर मानो लग रहा है कि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। कई विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो यूक्रेन का साथ देने नाटो देश जरूर आएगा, इससे यह युद्ध महायुद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि अगर यूक्रेन का साथ अमेरिका और नाटो करता है तो रूस के साथ चीन प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ तो भारत किसका साथ देगा, और इन दोनों के युद्ध से भारत को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहे। यूक्रेन और रूस के बीच की गहमा गहमी एक बार फिर बढ़ गई है, फिर से युद्ध के हालात बन गए हैं। अमेरिका का दावा है कि रूस ने यूक्रेन सीमा पर 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिया। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका को लेकर भारत भी चिंतित है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनातनी का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो भारत को कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, भारत के लिए दोनों देशों के बीच किसी एक के पक्ष में खड़ा होना दुविधा का सवाल होगा। दोनों देशों के बीच अगर युद्ध हुआ तो भारत को इस पर अपना पक्ष रखने की मजबूरी बन जाएगी। अगर भारत रूस का साथ देता है तो अमेरिका नाराज हो सकता है, क्योंकि अमेरिका लगातार इस युद्ध को रोकने के लिए रूस पर दबाव बना रहा है। अगर भारत अमेरिका की वजह से यूक्रेन के पक्ष में जाता है तो भारत का रूस के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे, जो हमारे चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए सही नहीं होगा, क्योंकि इस तनातनी में चीन खुलकर रूस के साथ है। अब अगर भारत यूक्रेन के साथ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि रूस चीन के ज्यादा नजदीक चला जाएगा। हाँ। और फिर हो सकता है कि भारत चीन सीमा विवाद में रूस चीन का साथ दे। इसके अलावा दोस्तों, अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो इसका सीधा असर कच्चे तेल के दामों पर पड़ेगा। मौजूदा समय में ही क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल के पार। आपको बता दें कि क्रूड उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी 13% की है, या ओपेक के कुल उत्पादन का आधा है। पश्चिमी यूरोप प्राकृतिक गैस के लिए काफी हद तक रूस पर ही निर्भर है। अब अगर रूस युद्ध में उलझ गया तो जाहिर सी बात है यह आपूर्ति बाधित होगी, और इसका सीधा असर वैश्विक स्तर पर होगा, जिससे भारत भी अछूता नहीं रह पाएगा। दोस्तों, अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो इसका सीधा असर भारत के हथियारों पर भी होगा। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच सामान्य कारोबार भले ही कम हो, लेकिन सैन्य कारोबार में बड़ी हिस्सेदारी है। किसी भी तरह के प्रतिबंध के स्थिति से इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, इससे भारत के लिए इसका विकल्प तलाशना मुश्किल हो सकता है। आपको तो पता ही होगा कि भारत और रूस के बीच सैन्य कारोबार काफी पुराना है। भारत ने नई पीढ़ी के हथियारों के लिए रूस से कई डील किया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो इसका असर भारत के कारोबार पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोवियत संघ के विघटन से पहले भारत के निर्यात में रूस की हिस्सेदारी 10% की थी, जो अब यह घटकर 1% से भी कम पर आ गई है। आयात में भी रूस की हिस्सेदारी 1.4% है, इसलिए कारोबार पर सीधे तौर पर असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन रूस के साथ कारोबार बढ़ाने की भारतीय कोशिशों को झटका जरूर लग सकता है। वहीं भारत का यूक्रेन के साथ पिछले कुछ साल में कारोबार काफी बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में दोनों देशों के बीच करीब $2.69 बिलियन का कारोबार हुआ था। इसमें यूक्रेन ने भारत को करीब $1.97 बिलियन का निर्यात किया था। यूक्रेन भारत को खाने वाले तेल, खाद्य, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर जैसे चीजें निर्यात करता है। आपको यह भी बता दें दोस्तों कि रूस यूक्रेन के बीच के विवाद का असली विलेन अमेरिका है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद में अमेरिका की अहम भूमिका है।
अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है और उसकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि वह हर संभव मदद करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका की छवि मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी। इसके अलावा ईरान में अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण कर रहा है। इन घटनाओं ने अमेरिका की सुपर पावर इमेज को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि अमेरिका यूक्रेन रूस विवाद के साथ इसकी भरपाई करना चाहता है। अब सवाल है दोस्तों कि रूस यूक्रेन के विवाद में भारत आखिर किसका साथ देगा। आपको बता दें कि रूस और अमेरिका दोनों ही भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अभी भी अपने 55% हथियार रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध पिछले 10 वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। रूस ने अब तक भारत चीन सीमा विवाद पर भारत का ही साथ दिया है। अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता है तो हो सकता है भारत का यह कदम रूस को चीन के करीब ले जाएगा। आशा है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है तो इससे भारत अछूता नहीं रह पाएगा। यदि युद्ध हुआ तो इससे भारत को भी नुकसान होगा। दोस्तों युद्ध चाहे किसी भी देशों के बीच हो, यह हमेशा इंसानियत का नुकसान ही करती है। खैर हम तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके जानकारी के लिए वीडियो ही बना सकते हैं। लेकिन आप कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यार ये वीडियो खत्म। और गाइस आप लोग भी कमेंट में बताओ कि किसका साथ इंडिया को देना चाहिए। यार अगर इस लिहाज से जो सिचुएशन अभी तक की बनी हुई है, देखो इंडिया की जो पॉलिसी है वो बहुत कमाल की रही है। देखो किसी का भी साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल ना रशिया का दे रहा है ना और कुछ, मतलब न्यूट्रल रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल एक रहा है। हर फॉर्म में देख लो तुम, न्यूट्रल रहा है। अभी तक जो इंडिया ने किया, इंडिया ने सबसे पहले बोला कि अपने जो स्टूडेंट है उनको वापस ला रहा है, इंडिया फिलहाल उस पे ध्यान दे रहा है। आगे जाकर लेकिन जब सारा हो गया, लेकिन आगे जाकर इंडिया पे दबाव जरूर रहेगा, वो आएगा। एक टाइप ये जंग मैं कहता हूँ बिल्कुल भी आगे ना बढ़े, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया का एक किस्म का नुकसान है। फिलहाल तो हम इसको मतलब एक इजी चीज ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में काफी ज्यादा नुकसान देने वाली चीज है। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अब यार वैसे मेरे ख्याल से इंडिया को अगर चुनना पड़े, बहुत मुश्किल टाइम भी आ जाए, बहुत मुश्किल टाइम भी आ जाए, अमेरिका या रशिया में से चुनना पड़े ना, मैं यही कहूंगा रशिया को चुन ले, इंडिया वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि अमेरिका यार अब बिल्कुल अमेरिका, मैं सच बता रहा हूँ, यूक्रेन के साथ उसने क्या किया है देखो। वायद रशिया ये है कि मतलब दिल से दोस्ती निभाने वाला मुल्क है रशिया, अमेरिका मकारी करता है, रशिया हमेशा दिल से दोस्ती निभाता है। चाहे किसी किस्म की भी, देखो चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे युद्ध हो, कोई भी हो, रशिया ने हर टाइम पे साथ दिया है, ठीक है। लेकिन अमेरिका और दूसरी देश देखो सारे खिलाफ हो, यही तो बात यार, हमेशा मैं यही कहूंगा रशिया का साथ। हम तो कहते हैं एशियन ब्लॉक बन जाए, भाड़ में जाएंगे वो वाले, कोई बोल ही नहीं सकेगा। गाइस आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।